उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आपका स्वागत है। देहरादून दो शब्दों से बना है, देहरा इसका मतलब सेटलमेंट और दून मतलब वैली। हम लोग यहाँ फूड एक्सप्लोरेशंस के लिए आए हैं। हमें बहुत ही जल्द ज्वाइन करने वाले हैं मिस्टर लोकेश ओरी, जो कि ऑथर हैं, फाउंडर हैं बीन देयर डून दैट ग्रुप के। आइए हमारे साथ। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू देहरादून। थैंक यू सर। हम लोग देहरादून की फूड ट्रेल पे निकलेंगे और अभी यहाँ से हम लोग चेतनपुरी हनुमान चौक में जाएंगे जी, और वहाँ से कतलम्मा देखेंगे और उसके बाद मैं आपको देहरादून की और जायकों से मिलवाऊंगा। चलिए। ये हनुमान चौक में है, ये हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पर, और ये चेतनपुरी की दुकान है जहाँ पे पूरी आलू कद्दू मिलता है और पूरा देहरादून खाने आता है। तो चल के देखो। छोले की सब्जी, सूखे हुए आलू, ये कद्दू, इसको सीताफल बोलते हैं, काशी फल भी बोलते हैं, वही है आलू की सब्जी तरी वाली। एक आटे का लड्डू है और एक बेसन का है और एक, ये कहते हैं कि हम 9 तरह के आटे मिला करके लड्डू को बनाते हैं, और एक चने के आटे। तो बहुत ही न्यूट्रिशियस है। बहुत न्यूट्रिशियस है और उतना हैवी भी नहीं है, जैसे नॉर्मली लड्डू हैवी होते हैं पेट के लिए। ये आप एक लड्डू आराम से खा सकते हैं पूरा खाना खाने के बाद। देखो, मुझे तो ये थाली बिल्कुल इलाहाबाद और बनारस की याद दिला रही है। वहाँ पे इसको कचौड़ी बोलते हैं वहाँ भी जी। अच्छा। और हल्की घी की खुशबू भी आ रही है। आइए सर, शुरू किया जाए। थोड़े से इसमें लाल मिर्च और हींग डाला हुआ है लगता है। अच्छा। और थोड़ी सी दाल भी है इसमें। दाल है, थोड़ा सा उड़द की दाल। सबसे अच्छी बात लगी मैं दुकान में घुसते ही, उनका जो ऑयल है बिल्कुल साफ था, क्लियर था, ट्रांसपेरेंट, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रीयूज नहीं करते, वो काफ़ी अच्छा लगा। ये छोले की सब्जी, बहुत ही बढ़िया स्वाद है, मतलब सभी डिशेज़ का। आलू भी छिलके के साथ बनाया हुआ है। कई सेलिब्रिटीज को, कई वेल नोन लोगों को मैं यहाँ देख के आया हूँ और वो आज भी याद करते हैं यहाँ पर। तो जब अराउंड 17th सेंचुरी में यहाँ पे गुरु राम राय दरबार बना, तो ऐसा ही बताते हैं कि गुरु राम राय ने आके यहाँ पे डेरा डाला। देहरादून का पहला शब्द है डेरा, वो उसी डेरे से आया। तो डेरे के आसपास बाज़ार बन गया और बाज़ार में क्योंकि ट्रेडर्स थे, बनिया लोग थे और उनको यही जायका पसंद था। तो सन 2000 तक तो हम यूपी का ही पार्ट थे जी जी, इसलिए वो सब टेस्ट फ्लेवर्स थे जी, वो सब खाने यहाँ मिलते हैं जो यूपी में मिलते हैं। पुरानी सब्जी मंडी में से निकल रहे हैं और ये देहरादून का बाज़ार है पुराने ज़माने का। यहाँ पे जितने भी सेठ लोग थे, जैसे ये यहाँ पे हवेली देख सकते हैं, और लेकिन धीरे धीरे ये बाज़ार सब्जी मंडी में तब्दील हो गया। और हालांकि बड़ी सब्जी मंडी अलग बन चुकी है, लेकिन लोग अभी भी सब्जी लेने के लिए यहीं पर आते हैं। वैसे पूरे टाइम रहता है, परमानेंट है कि सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पर लगती है? मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा भीड़ होती है, पर वैसे पूरा दिन लगा रहता है। लेकिन हवेलियों के अंदर जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत हवेलियां हैं और ये उस ज़माने की याद दिलाती हैं जो
जब यहाँ पे सेठ लोग रहा करते थे और चेतन क्या पूरी खाया करते थे। हमारा नेक्स्ट फूड स्टॉप कतलम्मा है और ये एक बहुत बड़ी डीप फ्राइड पूरी होती है जिसको फ्रंटियर पे खाया जाता है, जैसे बलूचिस्तान जैसी जगह में वहाँ का एक खाना है। तो बड़े प्याज है ना, पार्टीशन के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रंटियर से भी माइग्रेट करके आए, तो उन्हीं की पैलेट को ध्यान में रखते हुए कई लोगों ने आए कतलम्मे की दुकानें खोली। चना जो होता है, जैसे चना हम पकाते हैं, ये लोग चने को पकाते नहीं हैं, ये सिर्फ चना बॉयल्ड होता है, इसमें सूखा मसाला डालते रहते हैं जैसे जैसे वो पकता रहता है और उससे चने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। छोले हैं सर जो आप बता रहे थे, इसको उबाला जाता है, मसाले डालते रहते हैं, बस उबाल के इसमें सूखा मसाला डालते रहते हैं, कोई इसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं, आँच पे पसता रहता है, कुछ नहीं, सिर्फ सूखा मसाला और छोले। कतलम्मे हैं, बहुत सारी लेयर्स की पूरी होती है। देख रहे जब ये बना रहे थे इनको, उसको फूलने नहीं दे रहे थे, उसको काटते जा रहे, काटते दे रहे हैं, जब उसको बना रहे उसको काट रहे थे ताकि ये फूले नहीं, फूले ना, ऊपरी परत एकदम कच्ची हो रही है, एकदम डीप फ्राई हो जाएगी, अंदर कच्चा रह जाएगा, फूलने नहीं दिया था। लोग तो कहते हैं फूलने से अंदर तो सिक जाता है, फूलने से ऊपरी परत सिकती है ना, अंदर तो कच्चा रह जाएगा। हम तो फूल का वैसे फुलाए खाते हैं, पतला होता है ये थोड़ा, उसमें दो ही लेयर होती है ना, इसलिए क्योंकि इसकी अंदर वाली लेयर्स को भी पकाना है। अच्छा, इसलिए इसको धीमी आंच पे। इसको तो मैं कहूँगा भटूरे का बड़ा भाई कतलम्मा। वाकई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये छोले उसको बनाते हैं, पीपे बनाते हैं जी? नहीं, इसको बांधते हैं भगोने के अंदर, भगोने के अंदर बिल्कुल। वो एक हमारे छोले मिलते हैं पीपे वाले छोले, जो कनस्तर होती है ना उसमें छोले को बांधते हैं, वही प्रोसीजर है ना, देखो बिल्कुल खाते वही टेस्ट आया पीपे वाले छोले का, भगोने को बांधना पड़ता है, भगोना लेना पड़ता है बिल्कुल। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीपे वाले छोले। अच्छा, जो डालडा कनस्तर होता है जी, उसी में ही छोले डाल देते हैं और मसाले उसे बोलते रहते हैं, पहले वैसे ही बनते थे, अब हर जगह तो लोग अलग अलग वैरायटी बना लगे, लेकिन बनाने का तरीका पहले वही था, पीपे वाले छोले। चने को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब औरंगजेब ने शाहजहां को अरेस्ट किया और आगरा फोर्ट में बंद कर दिया, तो उससे पूछा गया कि आप कोई एक डिश चूज़ कर लो जो आपको रोज़ खाने को मिलेगी, ऐसा नहीं कि जो दस्तरखान लगता था वो नहीं लगा करेगा, कोई एक डिश आप चूज़ कर लीजिए। तो शाहजहाँ बहुत फूडी था, वो भी बहुत बड़ा और बहुत घबराया वो, तो उसने अपने जो खानसामा था उससे पूछा कि भाई ये क्या हो गया, अब क्या करें? उसने कहा आप चने बोल दीजिए, तो और मैं ऐसा है कि 365 तरह के चने आपको खिला सकता हूँ। तो वो हर रोज़ नए तरह के चने बना के उनको खिलाता था और उन्होंने अपनी लाइफ के आखिरी समय में शायद चने ही खाए। काफ़ी यूनिक है, लेकिन जैसे बताए थे खस्ता और भल्ला दोनों मिक्स करके ऊपर में छोले चटनी और ये मूली और प्याज, अलग ही फ्लेवर है, बिल्कुल ही यूनिक फ्लेवर है। और ये चने भी काबली चने हैं, छोटे वाले जो चने होते हैं वो है, छोले नहीं है। मेरे ख्याल से ये होता है कि खस्ता जो है जो क्रिस्प है, भल्ले थोड़े सॉफ्ट हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही यूनिक था साथ। भल्ले के साथ दही तो खाई है, लेकिन फर्स्ट टाइम चने खाए।
देहरादून का स्पेशल बोलती बंद पान। हाँ मतलब एक बार आप इसको खा लें तो फिर कुछ मिनटों तक आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। अच्छा। और जब बाजार का इतना मज़ेदार खाना आप खाएंगे, कतलम्मे खाएंगे और तो या पूरी खाएंगे, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको इस पान की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे तो हल्की हल्की नींद भी आ रही है। साहब एक लगाइए, एक पान लगाइए। ये देहरादून के घंटा घर पे है बंगाली स्वीट्स, और वैसे नाम तो बंगाली है पर आप गढ़वाल से हैं। अच्छा। और ये उत्तराखंड की सबसे मशहूर मिठाई बाल मिठाई, जिसके अंदर चॉकलेट टाइप का मेवा होता है, जिसको मिल्क को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, तो पकाने से वो ब्राउन हो जाता है, जबकि चॉकलेट इसमें नहीं होता है, पर इसको बोलते चॉकलेट ही, तो कुछ इस तरह का होता है चॉकलेट। और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम तो ये बचपन में तो ये कहते थे कि होम्योपैथी की गोलियाँ लगा रहे हैं, ड्राई फ्रूट भी मिक्स है, चॉकलेट कहते हैं, लेकिन चॉकलेट नहीं है। नहीं, चॉकलेट भी थी, वो खोए को जब हम भून भून के ब्राउन कर देते हैं, इट बिकम सॉर्ट ऑफ अ कैरमलाइज भून जो आता है, भुना जाता है, जो शक्कर ऐड करी जाती है, जिस तरह चीनी मिलाते हैं, तो वो इस तरह से मिलाते हैं कि वो ब्राउन भूनते भूनते ब्राउन होकर कैरमलाइज हो जाए, तो चॉकलेट वैसी बन जाती है। अच्छा, ये भुना हुआ इसमें टेस्ट आ रहा है, फ्लेवर और क्रंची भी है, तो ये अंदर का बेस सेम है चॉकलेट और इसका, थोड़ा डिफरेंस तो आ ही जाता है उसमें। देहरादून कैंटोनमेंट एरिया रहा, तो यहाँ पे कैंटोनमेंट्स में बहुत बेकरी का ट्रेडिशन था, और यहाँ के बेकर से बताते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर और मॉइस्चर, जो ह्यूमिडिटी लेवल है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। दुनिया में और भी किसी जगह पे अगर आपको बेकिंग करना हो तो आपको खमीर लगाने के लिए आर्टिफिशियली टेम्परेचर और मॉइस्चर को कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ नहीं करना पड़ता, यहाँ अपने आप खमीर उग जाता है और उसके बाद ये उस बैटर को बेक करना है। नमकीन होता है, चीज़ स्ट्रॉज बोलते हैं इसको, चीज़ स्ट्रॉज, हम लोग टाई बिस्किट करते हैं, वो टाई की तरह बन जाता है, देखो फ्रेश है। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बेकरी है देहरादून की। अच्छा। जो जिन्होंने अपनी क्वालिटी भी मेंटेन करी है। ये देहरादूनी रस्क जो राउंड शेप में होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं, और चाय और दूध के साथ खाने का अलग ही मज़ा है। एक तो टोस्ट है, रस्क है, रस्क आप खाएंगे तो एक अलग मुंह में खुल जाता है, बिल्कुल परफेक्टली बेक्ड है, डिब्बे में आते हैं और साथ में एकदम क्रंची लाइट, बहुत बढ़िया। और लाइट है इतनी, कम से कम एक महीने तक चलेंगे। ये प्लम केक है और हम इसमें लाल पेठा इस्तेमाल नहीं करते, इसमें आपको वॉलनट लगेगा, किशमिश और पील, वो जो लाल पेठा होता है 70-80 रुपये किलो वाला टूटी फ्रूटी, वो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। इसमें क्या क्या डाला हुआ आपने? वॉलनट, रेजिन्स, वॉलनट एक आप ये ग्रीन जो दिख रहा है ये पील होती है, ऑरेंज पील। अच्छा। जो गलगल होती है जी, उसका बाहर का छिलके का मुरब्बा होता है, ये जहाँ आपके चेहरे में वो दांत में आएगा एक हल्का सा नींबू का पेस्ट है। टेक्सचर बिल्कुल इसका परफेक्ट होता है, और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पिस्ता हो, 2-4 पीस आते हैं पिस्ता के, और बटर बहुत अच्छा है। मेरी कई ज़माने बाद खा रहा हूँ मैं, जैसे बता रहे थे आप, ये स्कूल की यादें हैं बस।
बहुत सारे स्कूल्स में तो ये मतलब चाय के साथ या ब्रेकफास्ट में ये दिया जाता है। मतलब बटर जो है वो मीठा सा है, ये जो क्रस्ट है हल्का नमकीन है और बिल्कुल अगेन बहुत ही लाइट फ्लेकी एंड क्रंची। थैंक यू चोली अंकल। थैंक यू। अच्छा सर, ये लौकी और कोकोनट ये दोनों मिला के मगर नहीं, सही ट्राई कराइए। लौकी को ग्रेट करके उसके बाद कोकोनट मिक्स करते हैं फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ। वाह वाह भैया, सबसे बड़ी बात ओवरली स्वीट नहीं है ये भाई, वही खासियत है इसकी कि बहुत ज़्यादा शुगर नहीं डालते। बिल्कुल बिल्कुल, आप लौकी का लच्छा भी देख सकते हैं इसमें। ये भैया ट्राई करने का बहुत मन कर रहा है, पान पान की मिठाई, ये भी बहुत अच्छा, एक काजू पान दे दें। बिल्कुल ऐसे पान का बीरा होता है, वैसे लग रहा है बिल्कुल पान का शेप है। अंदर में ड्राई फ्रूट्स गुलकंद और ये बाहर में जो कवरिंग है वो काजू की है, थोड़ा फूड कलर भी यूज़ किया हुआ होगा लगता है। आइए सर, ये खाया तो पूरा एक साथ ही जाता है लेकिन हम लोग शेयर करेंगे इसको क्योंकि बहुत खा चुके हैं। यही उसका वेरिएशन है, मीठा पान। ये खाया में मैम, काजू के अंदर गुलकंद और ड्राई फ्रूट। ये भी आपके एक यूनिक चीज़ है आपके शॉप की कि मोमो की चटनी है उसमें नमक खुद से डालना पड़ता है। जी सर, आपने एक्चुअली क्या होता था कि पहले जब एक बार हमने ट्राई किया था कि हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, बट वो क्या हर एक का नमक का अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को कम लगता था किसी को ज़्यादा, तो हमने कहा वो जो पहले जो चल रहा था वो बेस्ट है कि हम उसे वैसे ही होते हैं, फिर हमने फिर उसको ऐसे कर दिया। मैं तो इनफैक्ट मोमो को बहुत हेल्दी भी मानता हूँ, स्टीम्ड है, कम क्वांटिटी में खाया जाए अच्छा हेल्दी भी है। हाँ ठीक है, मतलब फ्राइड अगर लें तब अलग बात है, अदरवाइज ये कीमा है। कब से है ये सर? 87 से सर, मतलब देहरादून में मटन मोमो शुरू करने वाले हम ही लोग थे। पहले जो था कि 25 लोग बनाते थे तो ज़्यादातर वो पैलोज वगैरह का यूज़ करते थे, तो ये जो जूस निकल रहा है इसमें से दिस शोज़ कि आप फ्रेश मोमोज खा रहे हैं, अगर इसमें से मिसिंग है ये तो इट मीन्स वो दोबारा से आपको गर्म करके दिए। वही जायका आ रहा है आपको बचपन वाला? बिल्कुल फ्रेश मोमोज और साथ में चटनी का, मतलब मैं तो कह रहा हूँ मेरे लिए मोमोज कम है इमोशन ज़्यादा है, यादें ज़्यादा हैं। नहीं, अब आपने जब बोला कि आप स्कॉलर्स हमसे हैं तो मतलब वो चीज़ें याद आ गई कि अपना स्कूलिंग टाइम याद आ गया कि हाँ भाई स्कूल टाइम में हम लोग बड़ा वो करते थे, तो उस टाइम पर तो खैर हमने रेस्पॉन्सिबल नहीं किया था मोमोज वाला, तो बाद में क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड्स लोगों को जब पता चला कि जोशी ने मोमोज शुरू कर दिए तो मतलब एक वो यार जोशी ने मोमोज शुरू कर दिए इसकी शॉप में जाना, तो वो चीज़ चलती रही। स्कूल के बच्चे आते हैं स्कूल से टपके टपके आते हैं या वैसे कि आज मैं कई बार दूसरों बेटा बंक करके आ रहे हैं, आज छुट्टी जल्दी हो गई थी तो ये सब मैंने कहा यार हम लोगों ने भी बहुत किया है। और कहते हैं बंक नहीं कहते थे टपके, स्कूल टपके आए। बंक वर्ड तो अब धीरे धीरे जब इंग्लिश का थोड़ा चेंजेस होते रहे तो तब ये वर्ड आने लगे, पहले तो हम बोलते हैं टपके आए स्कूल से।
मतलब स्कूल की शर्ट के अंदर में टी शर्ट, उसके बाद स्कूल ना जाके बाहर आके कॉलेज में तो बहुत पॉपुलर था टपने के मामले एक तो ये, और साथ में पीछे पीछे के रास्ते से बहुत बड़ा प्रकाशेश्वर मंदिर भी चला जाता था पैदल पैदल। बहुत बढ़िया जोशी जी, बहुत मज़ा आया, मोमोज बहुत ही डिलीशियस थे। साथ में कह रहा हूँ मेरे तो मतलब टेस्ट से ज़्यादा ये एक यादें हैं, इमोशंस हैं, बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा कि आप भी स्कूल से हैं, हम दोनों स्कॉलर्स होम से हैं, तो मेरे लिए एक बहुत बढ़िया हो गया कि चलो हालांकि आप मेरे जूनियर हैं, जी जी जी, बस मतलब खुशी हो रही है कि आगे जूनियर सीनियर का इंटरव्यू लेना। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया करते थे अभी तक, करते हैं दाई, दाई बोलते थे, दाई याद भी होता है। एक्चुअली नेपाली जो बंदे होते हैं, हम आज भी हमारे जो कारीगर हैं वो नेपाली हैं, तो मैं किशोर दाई बोलता हूँ। दाई बोलते हैं ना, ये भी एक यहाँ के लोकल भाषा है। लोकल बड़े भाई को या डॉन को, डॉन को दाई बोलते हैं। दाई हमारे यहाँ, जैसे हम लोग कुमाऊँ से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ बड़े बंदे जो बड़ा भाई होता है उसको दादा बोलते हैं, इनमें दाई बोलते हैं। ये है कि उसमें जैसे बड़े बड़े चंक्स लोग डालते हैं ना, जैसे आलू स्लाइस किया डाल दिया, वो नहीं होता इसमें, छोटा छोटा ही होता है, शायद उससे आप जितना खा लो पता ही नहीं चलता। हाँ ये देख सही कह रहे हैं, बड़े पीसेस पता चलता है, ये छोटे पीसेस पता भी नहीं चलेगा। और खासकर बारिश के मौसम में चलता है, चलता है और पकौड़े खाने ही ऐसे और मज़ा आता है खाने में, ज़्यादा इन्जॉयमेंट होती है। कितने साल हो गए आपके इस दुकान को? 67 ईयर्स हो गए। आप शुरू से देहरादून के रहने वाले हैं कि? मेरे फादर पाकिस्तान से हैं। कौन सी जगह से पाकिस्तान से? रावलपिंडी से। 47 के बाद में इधर आ गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम देहरादून के 52 में इधर आ गए थे। उस समय से ही दुकान है समोसे पकौड़े जलेबी की? नहीं, पहले तो काम काफ़ी था, रोटी राटी भी बनाते थे। अच्छा, पॉपुलेशन कम थी, थोड़ा थोड़ा तबियत चलती थी, अब तो यही जो है समोसा पकौड़ा और जलेबी का। ये बन में क्या समोसे ला के देते हैं? बन समोसा, बन ऑमलेट, बन मक्खन। मेरे लिए बन समोसा लगवाइएगा। मतलब कहता हूँ देहरादून की बन में कुछ बात है, कुछ है ऐसा जो इसमें टेस्ट बन टिक्की का, बन समोसे का। बोलते हैं कि खमीर अपने आप उठ जाता है जी, यानी कि बेकरी में कुछ अलग बात है। और ये कितनी बेसिक सी चीज़ है, सिर्फ बन के अंदर समोसा है, सिनेमन का फ्लेवर लगा है। ये समोसे जो आप बनाते हैं उसकी जो परत है इतनी पतली है, बिल्कुल क्रिस्प, बहुत बढ़िया। अब वो नहीं दिखती हीरो पुक, हाँ वो भी विलुप्त हो गई यहाँ पे, पहले हीरो पुक बहुत दिखते थे यहाँ पे ना, हीरो पुक उस टाइम में काफ़ी थी, दो गियर वाली। बन टिक्की, हाँ ये देहरादून की मशहूर द्वारका स्टोर की बन टिक्की, इस पूरे एरिया को द्वारका स्टोर बोलते हैं। अच्छा, इस एरिया को द्वारका स्टोर बोलते हैं। यहाँ पे ये खड़े हैं पूरा चौक ही द्वारका। मैं तो मतलब इनकी स्पीड देख रहा हूँ, हाँ ये बिना देखे हुए हाथ अपने आप चल रहे हैं, है भाई साहब। बन आ रहा है, टिक्की जा रही है, दो तरह की चटनी डल रही है, दही डल रही है, प्याज मसाले, मतलब हाथ बंद करेंगे रात में भी हाथ चल रहे होते होंगे। मतलब देहरादून में आया हूँ तो सिर्फ इसी के लिए आया हूँ, बन टिक्की के लिए। ईस्ट मीट्स वेस्ट, अरे बन कबाब ट्राई किया है, बन गुलाब जामुन खाया है, बन समोसा, लेकिन जो बन टिक्की है ऐसा कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
इसको आप बर्गर नहीं बोल सकते, ये बन टिक्की होती है। और इसमें ये दही आलू मतलब रायता जैसा और चटनी और प्याज, वो एक अलग ही कॉम्बिनेशन है जो और कहीं नहीं मिलता। बन के अंदर में दो टिक्की, उसके ऊपर दो तरह की चटनी, इमली की चटनी, मिर्ची चटनी और कटी चटनी और दही, और दही आलू के साथ कटे हुए प्याज और मसाले। मैं कह रहा हूँ मैं देहरादून आना मेरे लिए फूड टूर नहीं था, मेरे लिए एक इमोशनल टूर था, ये यादों का सफ़र था। बहुत ही उम्दा स्वाद, बिल्कुल करारी टिक्की, सॉफ्ट मीठा बन, साथ में खट्टी मीठी चटनी और दही। मौसम का भी फर्क पड़ता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे हमने बन समोसा भी खाया खदार जी के यहाँ, वो अलग स्वाद था, या सनराइज बेकर्स गए उनके भी बेकरी का अलग ही टेस्ट था, तो ये बन में ही टेस्ट है, वो टेस्ट कहीं नहीं आता। मज़ा आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त बन टिक्की थी, और ख़ासकर आपका स्पीड वो तो अलग ही, एक उसका अलग जायका था। थैंक यू। अच्छा थैंक यू। एक वॉलंटरी वॉकिंग ग्रुप है और हम लोग हर संडे को मिलते हैं और कोई नई ट्रेल पे निकल जाते हैं, तो देहरादून और इसके आसपास हमने लगभग 60 ट्रेल्स आइडेंटिफाई करी हैं, और हमारे पास 10 वॉक लीडर हैं, 10 से 12 वॉक लीडर हैं जो वॉलंटियर करते हैं, रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और वॉक्स को लीड करते हैं। और सर आप तो इतने टाइम से आपका बर्थ प्लेस है देहरादून जी, और आप वॉक्स भी करते हैं, क्या क्या चेंजेस देखे हैं? शहर बहुत बदल गया, सन 2000 में उत्तराखंड स्टेट बनी और देहरादून को उसका कैपिटल बनाया गया, तो मैं उसको कहता हूँ कैपिटल पनिशमेंट, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत एक्सप्लोड कर गई और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे था नहीं, फिर भी देहरादून का भी मज़ा है क्योंकि यहाँ आप 10 मिनट कहीं भी ड्राइव करें तो जंगल में पहुंच जाते हैं और नेचर के बीच में खा लें अपने आप। फूड में भी काफ़ी तब्दीली आई है क्योंकि पहले जो ट्रेडिशनल फूड्स थे जैसे समोसा जलेबी बहुत पॉपुलर थे, लेकिन चाइनीज़ टिबेटन फूड का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू अपना समय निकालने के लिए और हमें देहरादून दिखाने के लिए और देहरादून के जायकों से रूबरू कराने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप देहरादून आए और हम लोगों के साथ घूमें और देहरादून की फूड ट्रेल आपने की। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।